हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट फिटर। आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम ड्रिल पढ़ने वाले हैं। एंड ये जो टॉपिक है इतना वास्ट है, इतना भर भर के क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से, एंड इतना प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू में इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका कहीं पे एंडिंग ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने कोशिश करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए। एंड आई होप कि मेरा जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे है, जितने फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो यहाँ से कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा सीख के ही जाएंगे, मैं गारंटी दे के बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक फिटर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वर्कशॉप में एक ड्रिल बीट को यूज करना, थ्योरेटिकल बुक में एक ड्रिल बीट को पढ़ के समझना, उसको प्रैक्टिकल यूज करने में बहुत ही डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारा नॉर्मल वर्कशॉप एंड जो फैक्ट्री में जो वर्कशॉप होता है, वो फैक्ट्री में जो वर्कशॉप होता है वहां पे जो एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, वहां पे जो जॉब के ऊपर जो ड्रिलिंग होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, वो लार्ज स्केल में होता है, वो बहुत ही एक्यूरेसी चाहिए वहां पे। ठीक है, एंड आई होप आई एम श्योर मैं आपको कुछ ना कुछ तक एक्स्ट्रा कुछ सिखा के ही रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रस्ट रखिए, सब्सक्राइब करिए, कनेक्ट हुई है, जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहां से हम अच्छी तरीके से इन डेप्थ में पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलते देखेंगे ड्रिल। चलो मैं आपको वर्बली बताता हूं कुछ चीज ड्रिल के बारे में, जो वर्बली एक आइडिया आपको आ जाएगा। पहले हम देखेंगे ड्रिल, ए ड्रिल होता क्या है, क्या ये चीज है ड्रिल। ना देखिए, ये ड्रिल एक टूल है। ठीक है, ड्रिल एक टूल है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक टूल है जिसको हम यूज करते राउंड होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इस तरीके का राउंड होल्स हम वर्क पीसेस के ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए जिस टूल को हम यूज करते हैं उसको हम ड्रिल बोलते हैं। एंड ड्रिल के द्वारा जो ऑपरेशन कैरिड आउट होता है उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से इतना डिटेल में समझा रहा हूं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, कभी भी जितना भी आपका स्टैंडर्ड लो हो या हाई हो, ठीक है, कभी भी कुछ भी चीज का अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, कुछ भी चीज को अब इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, चलो तो ये क्या हुआ ना, जो राउंड होल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम ड्रिल बोलते हैं। एंड ड्रिल के द्वारा ये जो राउंड होल प्रोड्यूस होता है, यही ऑपरेशन को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। ड्रिल के द्वारा जो ऑपरेशन कैरड आउट होता है उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। एंड ड्रिलिंग किस तरीके से होता है ना, एक ड्रिल रोटेट होगा। ठीक है, एक ड्रिल ऐसे रोटेट होगा, दिखा देता हूं, एक ड्रिल इस तरीके से एक ड्रिल रोटेट होगा। ठीक है, रोटेट होने के बाद ये नीचे ऐसे एडवांस करते जाएगा, नीचे आते जाएगा। ठीक है, उसका कैलकुलेशन है वो बहुत ही इनडेप्थ में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सेशन टू सेशन हम पढ़ेंगे, अभी इतना समझो ये रोटेट होगा मशीन में, ये नीचे ऐसे ग्रेजुअली आते जाएगा, जितना रिवोल्यूशन ये रोटेट होते जाएगा उतना वो क्या करेगा ना, एडवांस होते जाएगा नीचे। ठीक है, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। ये होता है एक ड्रिल एंड ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट, आई होप कि ये समझ में आ गया। चलो इसी पेज में इसको भी खत्म कर लेते हैं। ए ड्रिल इज ए टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन वर्क पीसेस। यस, ठीक है, ऑलरेडी समझ गए हम। ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ मेकिंग होल्स इन ए वर्क पीस बाय ए रोटेटिंग ड्रिल विथ डाउनवर्ड प्रेशर व्हिच विल पेनिट्रेट इनटू द मेटल। ठीक है, इसको हम डाउनवर्ड प्रेशर देने के बाद, जो रोटेटिंग के साथ इसको डाउनवर्ड प्रेशर साइमल्टेनियसली दे रहे हो हम, ठीक है, मशीन स्पिंडल के थ्रू में, तो ये क्या करेगा ना, पेनिट्रेट करेगा वर्क पीसेस के अंदर, जो हमारा एक राउंड होल प्रोड्यूस कर पाएगा अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड डेप्थ, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड साइज। ओके, एंड हम जो प्रोडक्ट हम पाएंगे वो राउंड होल पाएंगे, जो ऑपरेशन कैरड आउट होगा उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। एंड ये जो ड्रिल किस चीज में बना हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए, एक ड्रिल बिट, इसको हम ड्रिल बिट भी बोलते हैं। ठीक है, ओनली ड्रिल भी बोल सकते हैं, नहीं तो ड्रिल बिट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रिल बिट आप याद रख लीजिए, ड्रिल बिट। ठीक है, ये जो ड्रिल बीट है, इस ये किस चीज में बना हुआ था, मोस्टली दो चीज में बना हुआ था, इस ये दो को याद रखिए, एक तो हाई कार्बन स्टील एंड उससे थोड़ा बेहतर है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये दोनों मटेरियल में ये बना हुआ होता है। आई होप कि ये इतना तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलो चलते नेक्स्ट देखते क्या है।
Now, drill can have many sizes and can be used for wide range of application. ये जो drill है ना, इसका कोई भी limitations नहीं है. हम भर भर के इसको यूज करते हैं, हर एक जगह यूज करते हैं. इसका जितना सिंपल एप्लीकेशन होता है उतना कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यूज होता है. ठीक है, तो सब ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, बस इतना जानिए कि ये टॉपिक कितना बड़ा है. ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, हर एक बड़ा टॉपिक हम आसानी से यहीं पे खत्म करेंगे. ठीक है, चलो देखेंगे ड्रिल का कुछ पार्ट्स देखेंगे. ठीक है, ड्रिल में कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स होता है उसको देखेंगे. ठीक है, उसको देखने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं. ठीक है, ड्रिल का कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये शायद बहुत ही कम फिटर को या एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी बहुत ही कम पता होगा. इसको आप कभी स्किप मत करिए, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूं, अच्छे से सुनिए. ठीक है, देखिए दो तीन इंपोर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं ड्रिल के बारे में, फिर उसके बाद हम स्लाइड टू स्लाइड नोट्स के साथ पढ़ते जाएंगे. इंपोर्टेंट चीज क्या है, ये आपको हम ड्रिल बिट दिखा दिए, ये है ड्रिल बिट. अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए बस, ये ड्रिल बिट है. इसका जो सैंक है इसके स्ट्रेट सैंक हम लिए है. ठीक है, याद रखिए, आपको अच्छे से समझाऊंगा स्ट्रेट सैंक क्या है, टेपर सैंक क्या है, सब क्या है. जो मैं बोल रहा हूं उतना याद रखिए. अभी ये है स्ट्रेट सैंक. ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स लिखा हुआ है. एक ड्रिल दिखने में हमको एक, अगर आप ड्रिल को ड्रिल बिट को देखोगे, एक ड्रिल बिट इस तरीके से एक ड्रिल बिट दिखता है. ठीक है, एक ड्रिल बिट इस तरीके से एक ड्रिल बिट दिखता है. देखिए एक ड्रिल का जो दो तीन इंपोर्टेंट चीज में बोलने वाला था, फास्ट हम देखेंगे ये सैंक इसको बोलते. ठीक है, पूरे यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट आया, एंड ये सैंक से लेकर ये पॉइंट तक जो पार्ट आया इसको हम बॉडी ऑफ द ड्रिल बोलते. ठीक है, इसको हम बॉडी ऑफ द ड्रिल बोलते, इसको भी याद रखिए. ये हो गया, ये दोनों खत्म हो गया. आई होप कि ये दोनों समझ में आ गया. देखिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अभी आया, इसका फ्लूइड्स में समझा देता हूं. देखिए ये ड्रिल का ये टॉप पार्ट है, ये जो ड्रिल बिट का ये टॉप पार्ट है. ठीक है, और इसके अंदर में एक होल टाइप का, ऐसा स्पाइरल टाइप का ये गया है. देखिए ये वाला ऊपर नहीं है. ऐसा होता है ना, एक इस तरफ आता है, एक इस तरफ आता है, एक इस तरफ आता है, एक इस तरफ आता है. ये वाला तो मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं. एक इस तरफ आता है, फिर एक इस तरफ आता है, एक इस तरफ आता है. ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला क्या होता है, ये नीचे होता है, फिर ये वाला थोड़ा ऊपर में आता है, फिर ये वाला थोड़ा नीचे होता है. ठीक है, ये जो पार्ट है यहीं पे देखिए, ये जो पार्ट है, यही पार्ट है जो मैं हाईलाइट किया हूं अभी, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड. ये वर्ड याद रखिए, ये टर्म फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड. फ्लूइड का काम क्या है, आप ड्रिल बिट तो कहीं ना कहीं तो ड्रिल बिट देखे होंगे, यहां तक तो आगे मतलब ड्रिल बिट देखे ही होंगे. ठीक है, मैं इतना डिटेल्स में बोल रहा हूं कि आपको याद आ जाना चाहिए कौन सा पार्ट मैं बोल रहा हूं. ये वाला जो होल टॉप होल पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है. ठीक है ना, ये दूसरा पार्ट इसको बोलते, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड. ये वाला भी देखिए, ये वाला, तो ये जो फ्लूइड है इस तरीके का क्यों है, ये स्पाइरल शेप क्यों ये बना हुआ है. ठीक है, स्पाइरल शेप क्यों दिया गया ना, एक तो इस स्पाइरल शेप का एडवांटेज ये है, इसके अंदर में आप जब कूलांट आप डालोगे, इसके अंदर ऑयल जो डालोगे या कूलांट जो भी है जो डालोगे, ये क्या करेगा ना, ये ऑयल क्या करेगा ना, इसके अंदर आराम से जाके फिर ये ट्विस्ट होकर, फिर ये ट्विस्ट होकर, फिर ये पॉइंट तक आ जाएगा ऑयल, एंड यहाँ पे वर्क पीसेस के अंदर हमारा ऑयल जाएगा. ठीक है, इस चीज के लिए इसका डिजाइन इस तरीके से होता है. ये एक फंक्शन हो गया. दूसरा फंक्शन है ये फ्लूइड का, कि यहां पे जो चिप्स प्रोड्यूस होता है, जो कॉल्ड चिप्स प्रोड्यूस होता है, ये क्या होगा ना, ये इस तरफ ऐसे ना आकर ये कॉल्ड चिप्स क्या करेगा ना, ये फ्लूइड को देकर ऐसे ही निकल जाएगा. ये फ्लूइड को देकर ये कॉल्ड चिप्स क्या होगा, देखिए ये फ्लूइड के अंदर देकर ये कॉल्ड चिप्स ऐसे ही निकल जाएगा. ये इस तरफ में, ये इस तरफ में, ठीक है, ये इस तरफ में, ये सब चिप्स क्या होगा ना, चिप्स निकल जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये जो पार्ट है फ्लूइड, ये क्या हेल्प करता है ना, ये इसका थ्रू में ऑयल हम प्रोवाइड कर सकते हैं पॉइंट तक. ऑयल क्यों चाहिए ना, लुब्रिकेशन चाहिए. जब ड्रिलिंग करते हैं हीट प्रोड्यूस होता है, उसको ठंडा रखने के लिए हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑयल हम किस पार्ट में देंगे, ठीक है, ऑयल कैन के हिसाब से. यहाँ पे मान लो ये ऑयल कैन है, ठीक है, ऑयल कैन के हिसाब से हम ऑयल यहाँ पे देंगे. जो ऑयल यहां पे हम प्रोवाइड करेंगे, ये ऑयल हम फ्लूइड के ऊपर प्रोवाइड करेंगे. ये फ्लूइड के अंदर ये आते आते आते, क्योंकि ये एम्प्टी पार्ट है, ठीक, खाली पार्ट है, इसके अंदर आते आते ये पूरा पॉइंट तक आ जाएगा. ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया. और एक पार्ट है, वही जो होल टाइप, वही जो होल है फ्लूइड है, ये टाइप का जो होल है, इसके अंदर क्या होगा ना,
इसके अंदर में चिप्स आसानी से बाहर निकल पाएगा। ठीक है, ये जो स्पाइरल टाइप ऐसे फॉर्म हुआ है इसके अंदर में इस तरीके से चिप आराम से ये निकल पाएगा। ठीक है, आराम से ये चिप निकल पाएगा। फिर इसका और एक काम क्या है ना, ये जो इसका जो एड जाइए, क्योंकि ये फ्लूइड तो ये है ना, फ्लूइड ये मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट फ्लूइड में गया है, ये पार्ट जो पूरा गया है, ये भी पार्ट जो पूरा गया है, ये क्या करेगा ना, ये टू फॉर्म ए कटिंग एड्ज, ये एक टाइप का कटिंग एड्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हालांकि इसको कटिंग एड्ज हम नहीं बोलते, मैं बोल दूं कटिंग एड्ज किसको बोलते हैं, लेकिन ये एक फॉर्म प्रोवाइड करता है कटिंग एड्ज का। अगर आपका ड्रिल में अगर एक ही पार्ट कटिंग एड्ज टच होगा, ठीक है, वो क्या होगा ना, वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोड पड़ेगा। अगर वहां पे मैंने बहुत सारे हम स्पाइरल कर दिए, जो कि बहुत सारे स्पाइरल कर दिए इस तरीके से, देखिए यहां पे एक स्पाइरल आया, यहां पे एक स्पाइरल आया, यहां पे एक स्पाइरल आया, तो इतना सारा पार्ट अगर आ जाएगा तो एक कटिंग एज का अच्छा सा फॉर्मेशन, लूप फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहां पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये एक कटिंग एज के तरह भी हेल्प करता है। याद रखिए फ्लूइड के बारे में जो नोट्स हम पढ़ेंगे उसको मैंने पिक्चोरियल भी मैं अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि जब नोट्स पढ़ेंगे अच्छा पूरा ब्रॉडली हम यहां पे पढ़े थे तो आपको याद आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे फ्लूइड, ये फ्लूइड का मोस्ट तीन इंपोर्टेंट ये पर्पज है, उसको नोट्स भी मैंने लिखा हूं, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो नोट्स को आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपने पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखेंगे लैंड और मार्जिन। ये भाई सब ड्रिल का पूरा सब कुछ है, ये इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, लैंड और मार्जिन क्या होता है, देखिए कभी ड्रिल बिट देखोगे आप, ठीक है, यहां पे भी देख लो, ये भी एक ड्रिल बिट है, फोटो में है क्यों ना, वो तो एक्यूरेट ड्रिल बिट है ना, मैं कभी आपको ओरिजिनल ड्रिल बिट मुझे मिलेगा तो आपको दिखा दूंगा, आप देख सकते जाके, कल अगर टाइम मिलेगा कल जाके देखेंगे। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको जाके चेक भी करेंगे। अच्छा देखेंगे कि ड्रिल बिट का एक एक पार्ट में एक डबल लाइन वाला ऐसा आएगा, देखिए ये वाला मैं तो हाईलाइट कर दिया तो छुप गया, देखिए ये वाला एक जो मैं बोल रहा हूं, देखिए ये वाला नहीं, ये तो फ्लूइड हो गया, ये वाला को छोड़ दो, जो डबल लाइन मार्क है ये वाला एक एंड ये वाला एक, इसको बोलते लैंड और मार्जिन। ठीक है, इसको बोलते लैंड और मार्जिन। अच्छा इसका काम क्या है, क्यों ये डबल डबल दिया गया, यहीं पे हम ड्रिल बिट का डायामीटर चेक करते हैं, समझ गए। एक ड्रिल बिट ये है, आपको अगर मैं बोलूंगा अरे 10 mm का यहां पे होल करिए आप, ठीक है, आपको 10 mm का होल करने के लिए आप तो ड्रिल बिट में लिखा होगा 10 mm। अगर मान लो ये ड्रिल बिट रॉस्ट हो गया, ये पार्ट में बहुत सारे रॉस्ट हो गया, ड्रिल बिट पहचान नहीं पा रहे कितना साइज है ये, इसको हम कैसे चेक करेंगे, वर्नियर कैलिपर हम उठाएंगे। वर्नियर कैलिपर क्या है आपको तो पता होगा, वो जब टाइम आएगा मैं आपको समझा दूंगा। वर्नियर कैलिपर के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम उठाएंगे, इसको हम दोनों साइड में रख के हम यहां पे जॉ रख के हम चेक करेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे ना, यहां चेक कर लेंगे, बहुत सारे होंगे यहां पे चेक कर लेंगे, बहुत सारे होंगे यहां पे चेक कर लेंगे, ड्रिल तो पड़ा है कहीं पे चेक करो, बहुत सारे होंगे यहां पे चेक कर लेंगे, बहुत सारे होंगे अपने मर्जी से और कहीं पे चेक कर लेंगे। ठीक है, नहीं, अगर मैं आपको बोलूंगा 10 mm का ड्रिल करिए, आप होल करने से पहले ड्रिल बिट को मेजर तो करेंगे ना, इसको वर्नियर कैलिपर से, किसमें इसको मेजर करेंगे, वर्नियर कैलिपर से, इसको जो वर्नियर कैलिपर में आप मेजर करेंगे। अच्छा इसको कहां पे मेजर करेंगे, याद रखिए ये टर्म में अभी जो बोल रहा हूं, इसको हमेशा लैंड और मार्जिन के पास ही चेक करेंगे, ये जिंदगी भर याद रहना चाहिए। एक एग्जामिनर आपको काम ना देकर यही पे आप पता कर सकता है आपको कितना नॉलेज है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। एक ड्रिल बिट को आप अगर उठाओगे ना, इसका डायमीटर आप चेक करोगे कहां पे, डायमीटर चेक करोगे एक लैंड और मार्जिन के साथ, यही जो लैंड और मार्जिन ये पूरा ड्रिल बिट का चारों तरफ गया होगा। ठीक है, ये यहां पे फ्रंट व्यू में है, उसका पीछे में गया होगा, तो आप क्या करेंगे, यही लैंड ऑफ मार्जिन के साथ आप ड्रिल बिट का डायामीटर चेक करेंगे। ठीक है, याद रखिए वर्नियर कैलिपर का एक जो इसको ऊपर रखेंगे और साइमुटेनियसली सेम साइज में सेम स्ट्रेट में आप और एक साइड में सेम जो रखिए, उसको मेजर करिए, उसका हो गया डायामीटर। कभी भी ये दोनों के ऊपर आप जो मत रखिए, ठीक है, ये दोनों के ऊपर आप कभी जो मत रखिए, इसका साइज आपको अगर सेम मिल सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये 10 mm दे सकता है, मैं ये बोल रहा हूं ध्यान रखिए, ये आपको 10 mm दे सकता है, यहां पे मेजर करने में आपको 10 mm पता चल जाएगा, अरे हाँ ये 10 mm का ड्रिल है, क्यों हम लैंड और मार्जिन मेजर करेंगे, अरे ये तो कुछ भी बोल रहा था लैंड और मार्जिन में ओनली चेक करेंगे, अरे क्यों चेक करेंगे ना, देखिए कि अगर आप ड्रिल करोगे एक ड्रिल बिट तो एक बार करके फेंक नहीं दोगे,
आज मैंने इसके ऊपर 10 mm का ड्रिल मार दिया, चलो इसको फेंक दो और एक 10 mm ड्रिल भी ले लो, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। ठीक है, 10 mm ड्रिल भी इसको बहुत बार हम यूज करते हैं, जब तक इसका डायमेंशन इसका जितना इसका डायमेंशन होता है उससे ये कम नहीं हो जा रहा है जैसे। ठीक है, उसका उसका जब जब तक ये डैमेज नहीं होता है, ठीक है, इसका एक्यूरेसी डिफॉल्ट नहीं होता है, तो तब तक यूज करेंगे, तो तब तक यूज करेंगे, एक बार दो बार यूज करने में ये लैंडर मार्जिन में उतना हम डायमेंशन मिल पाएगा क्या? तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये टूल डिटोरिएट हो चुका है, ये टूल में हम यूज नहीं कर सकते? आप तो हमेशा यहाँ पे चेक करेगा, ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो हमेशा आपको 10 mm प्रोवाइड करेगा ये पार्ट में। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे चेक करिए, क्योंकि ये पार्ट होता है उसका कटिंग एज, याद रखिए। ठीक है, लैंड और मार्जिन होता है उसका कटिंग एज, इसीलिए हम वहां पे डायमीटर चेक करते हैं। एंड क्यों चेक करते हैं? हमारा टूल का एक्चुअल में कितना, यहाँ पे मान लो ऐसा नहीं होता है प्रिंटिंग मिस्टेक में, सॉरी 20 तो पता चल जाएगा, मान लो आपको 12.5 लिखा है मान लो, ठीक है, यहाँ पे लेकिन 10 mm आ रहा है, तो आप किसको चूज करेंगे? ये प्रिंट को आप वैलिड दोगे ना, इसको वैलिड दोगे, क्योंकि यही आपका जिंदगी है भाई। अगर यही पे 10 mm नहीं है, आपको 10 mm करना है, मार दिया ड्रिल बिट, वो पूरा का पूरा सरफेस डैमेज। आई होप कि इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझा होगा जितना मैंने समझाया, एंड आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं तो बार बार मुझे बोलिए। यहाँ पे ये चैनल मैंने खोला हूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स आएंगे, 50 हो, 100 हो, 1 हो, 2 हो, उसको मैंने 15 या 20 आदमी स्टूडेंट्स जैसे अलग करके छोड़ूंगा यहीं पे, आई प्रॉमिस। ठीक है, जितना सारा मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है उतना मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हर एक चीज को, हर एक पर्सन को सब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जितना भी मुझे पता होता है, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू क्लियर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ऑल राइट, चलो ये जो लैंड और मार्जिन, इसको हम कटिंग एज बोलते हैं, यहीं पे कटिंग होता है। अभी समझ में आ गया, ड्रिल कहां पे कटिंग करता है? ड्रिल पूरा का पूरा ड्रिल है, लेकिन कटिंग स्टार्ट होता है इसका पॉइंट से, लेकिन कटिंग करता है इसका लैंड और मार्जिन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, ये कटिंग एज है, यहीं पे हम ड्रिल का डायमीटर हम चेक करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया। ठीक है, और इसमें कोई समझने का नहीं है, जितना जो जरूरी पड़ेगा आगे जिस स्लाइड में मैं वहां पे समझा दूंगा, नोट पे किया। चलो अभी चलते, हमारा ये हो गया, ये था 20 मिनट ओनली एक्स्ट्रा चीज, असली पढ़ाई तो यहीं पे स्टार्ट होगा अभी। ठीक है, देखेंगे पॉइंट, द कॉन्सेप्ट एंड व्हिच डज द कटिंग इज कॉल्ड द पॉइंट, इट कंसिस्ट विथ डेड सेंटर, लीव्स आर कटिंग एज एंड ए ही। देखिए ये बोल रहा है कि इसका जो कॉन्सेप्ट में है, ठीक है, पॉइंट क्या है? देखिए ये वाला, इसको पॉइंट, यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये व्यू हो गया। देखिए यहीं पे ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ स्टार्टिंग में, सबको समझ में आएगा। देखिए ये होता है इसका पॉइंट, ठीक है ना, ये होता है इसका पॉइंट। चलो ये पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट बहुत सारे चीज को कंसिस्ट करके ये होल्ड करता है, क्या ना, ये डेड सेंटर इसमें होता है। ठीक है, ये जो मैंने बोला आपको, ये जो पॉइंट है, ये एक्चुअली मैंने ये जो पॉइंट बोला आपको, ये डेड सेंटर है एक्चुअली। ठीक है, ये वाला है जो पॉइंट मैंने आपको बोला, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली उसको एक स्पेसिफिक नाम दिए, इसका डेड सेंटर दिए है। ठीक है, लेकिन इसका पॉइंट है पूरा का पूरा, ये पार्ट को हम पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हालांकि ये होता है पॉइंट, लेकिन पॉइंट के साथ इसमें बहुत सारे कुछ ज्वाइंट होकर भी है। ठीक है, उसको भी पॉइंट के साथ हम ले रहे हैं, हालांकि उसका भी इंडिविजुअल नाम है। देखिए उसका नाम क्या है ना, एक है कटिंग एज और एक हील और एक लिप्स, जो लिप्स और कटिंग एज बोलते हैं, और एक होता है हील। ठीक है, और एक होता है हील। देखिए इसका जो लीप है, मैंने आपको बोला था, ठीक है, वहां पे लैंड और मार्जिन था, वो कटिंग एज में काम करता है, फ्लूड भी कटिंग एज होता है। यहां पे देखिए ये जो पार्ट है, यहां पर इरेज कर लेता हूं, देखिए ये पार्ट है, देखिए ये जो लाइन है, ये है लीप, यहां से पूरा आएगा, ये पार्ट है लीप, जैसे इस तरीके से गया है, देखिए ये पार्ट आएगा, ये आपका आएगा लीप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीप। फिर इसका ये है इसका हील, याद रखिए ये पार्ट है इसका हील। ठीक है, ये है इसका हील, पिक्चर आप देख लीजिए। ठीक है,
और ये छोटा सा पिक्चर है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, इसका मार्जिन लैंड और मार्जिन ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, डबल 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 लाइन जिसमें आ रहा है, ये है उसका डेड सेंटर। जो मैं एक्चुअल आपको पॉइंट बोल रहा था वो है डेड सेंटर, ठीक है। एक पॉइंट होता है, देखिए ये वाला पॉइंट पे देखिए ये वाला, ठीक है, ये होता है उसका डेड सेंटर, वो फास्ट टच होगा, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा पॉइंट टच होगा, उसमें लीप आएगा, जिसको लीप को कटिंग एज भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो लीप है इसको लीप को हम कटिंग एज भी बोलते हैं। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, मैंने पार्ट्स को आपको अच्छी तरीके से इसलिए समझा रहा हूं, किस पार्ट में कटिंग होता है, किसको हम डेड सेंटर बोलते हैं, किस पार्ट को हम हील बोलते हैं, ये समझ में आना चाहिए। एंड फ्लूइड तो आपको पता होगा, देखिए ये वाला है, ये जो एम्प्टी पार्ट है इसको हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सैंक बोलते हैं, ये फिलहाल अभी टेपर सैंक में है, यहाँ पे हम देखे थे ये फ्लैट सैंक, फ्लैट सैंक मतलब ये पूरा का पूरा फ्लैट होता है, ठीक है। ये टेपर सैंक मतलब देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसा टेपर हुआ होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसा फ्लैट नहीं होगा, इस तरीके से फ्लैट नहीं होगा, ये टेपर होगा। एंड ये क्यों फ्लैट क्यों टेपर है ये दोनों को मैंने अभी समझा दूंगा कुछ ही देर के बाद, ठीक है। और ये है टैंक, ये टैंक पार्ट ओनली देखने को मिलता है टेपर सैंक में, इसको भी थोड़ा याद रखिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको हल्का में मत लीजिए, जो जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेपर सैंक के साथ ही टैंक आता है, ये जो मैं बोल रहा हूं बस उतना ही सुनिए, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाइए। टेपर सैंक होता है एक स्ट्रेट सैंक होता है, टेपर सैंक के पास ही ये टैंक लगता है, स्ट्रेट सैंक में टैंक नहीं लगता है, ठीक है। फ्लूइड समझ चुके हैं, हील ये पार्ट को हम हील बोलते हैं, उसके बाद लीप और कटिंग एज, ये जो लीप होता है इसी में ही कटिंग होता है, ठीक है। हालांकि लैंड और मार्जिन को कटिंग एज भी बोलते हैं, फ्लूइड में भी कटिंग होता है। फिर डेड सेंटर ये है, जो पॉइंट है ड्रिल का एंड में उसको डेड सेंटर हम बोलते हैं, बस खत्म। एंड बॉडी किस पार्ट को हम बोलते हैं वो भी आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया हूं। बॉडी बोलते ये सैंक से लेकर ये जो ड्रिल का पॉइंट तक, ठीक है, जितना पार्ट आया उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द ड्रिल। ये सैंक उसको काउंट मत करिए क्योंकि ये सैंक अलग होता है, ठीक है। ये सैंक यहां तक होता है, फिर यहां से यहां तक ये टैंक आता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया है। एंड ये बॉडी की जैसे ये पॉइंट के अंदर इतने सारे पार्ट गया, माइनर माइनर माइनूट माइनूट प्लाट पार्ट, फ्लूइड गया, लीप गया, हील गया, डेड सेंटर, उसी तरीके से पॉइंट के साथ आता है लैंड और मार्जिन, ऑलरेडी हम समझ चुके, इसका कोई और समझाने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। फिर बॉडी क्लियरेंस क्या है थोड़ा समझा देता हूं। एंड वेव, बॉडी क्लियरेंस क्या है, ये जो पार्ट हम फ्लूइड देखे थे, ये बोला था आपको ये नीचे वाला पार्ट, एम्प्टी वाला पार्ट, होल वाला पार्ट, उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट था, यहां पे दिखा देता हूं, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं, यहां पे देखिए लिखा हुआ है बॉडी क्लियरेंस, इसको हम बोलते हैं बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। एंड ये पार्ट का एक पार्ट क्यों है ना, ये देखिए ये जो बॉडी पार्ट है, ये बॉडी ना थोड़ा सा डायमीटर से ये पार्ट कम है। मैं जो बोल रहा हूं आप उसको बार बार बोल रहा हूं, आप सुनिए अच्छे से। ये जो बॉडी क्लियरेंस है ये डायमीटर से थोड़ा कम है इसका डाया, क्यों? अगर ये लैंड और मार्जिन के साथ पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा, ये क्या होगा ना, ये रबिंग होगा, ये पूरा का पूरा ड्रिल डैमेज होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं इसको ना, ये जो बॉडी क्लियरेंस है, इसका नाम सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा, बॉडी क्लियरेंस का मतलब क्या है, हमको क्लियरेंस प्रोवाइड करना, गैप प्रोवाइड करना, टूल को गैप मिलने से हीट नहीं होगा, इजिली सब चिप निकल जाएगा, इजिली इसमें एयर एंड कूलेंट हमारा अंदर में जा पाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्लियरेंस प्रोवाइड करते, इसीलिए उसी तरीके से यहां पे भी हम प्रोवाइड किए बॉडी क्लियरेंस के नाम पे। एंड इसका डायमीटर थोड़ा सा कम है लैंड और मार्जिन से, क्योंकि लैंड और मार्जिन में हमारा एक्यूरेट डायमीटर मेजर करते, मान लो यहां पे 10 mm है, लेकिन बॉडी का जो बॉडी क्लियरेंस है इसमें हल्का सा कम रहेगा, ठीक है, हल्का सा कम रहेगा, बिकॉज प्रोवाइडिंग ए बेटर कूलिंग सिस्टम एंड बेटर क्लियरेंस, ठीक है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया, बॉडी क्लियर हो गया, ठीक है। इसका बारे में पूरा डिटेल्स मैंने समझा दिया हर एक चीज, इसको और एक बार वीडियोस को देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं मानता हूं जिसको नया नया ये सब चीज लग रहा है। चलो ये है, फिर देखेंगे फ्लूइड्स, इसमें देखने के लिए और कुछ बचा भी नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ समझा दिया हूं, ठीक है, उतना ही लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में पूछेगा, फिर आप बुक से ढूंढते रहोगे कहां से क्या पढ़ा दिया, जो बुक को अच्छे से नहीं देखे कभी वो यहां से देख सकते है। लैंड और मार्जिन मैंने अच्छी तरीके से समझे थे, इससे और ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस इसका टर्म याद रखिए, क्वेश्चन में ऐसे आता है द पार्ट
इज द पार्ट एंड इट्स ए पार्ट ऑफ नैरो स्ट्रिप्स विच एक्सटेंड्स टू द एंटायर लेंथ ऑफ द फ्लूड्स. पूरा ये फ्लूड जितना लंबा चल रहा है उतना तक ये लैंड और मार्जिन ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है, लैंड और मार्जिन ये क्या करेगा ना, फ्लूड्स के साथ ऐसे ही चलता रहेगा जितना सारा फ्लूड्स चलता रहा है. ठीक है ना, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है व्हिच पार्ट कीप्स ए नैरो स्ट्रिप्स लुक्स लाइक ए नैरो स्ट्रिप्स व्हिच एक्सटेंड्स टू द एंटायर लेंथ ऑफ द फ्लूड्स. एग्जाम में इसी तरीके से आते है, इसीलिए मैंने पिक किया. ड्रिल बिट डायमीटर कहां से मेजर करते, लैंड और मार्जिन की उसका डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली यही पूछा है. मैं बार बार बोल रहा हूं यही पूछा है, ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इसमें से. ठीक है ना, आप खुद देखिए ये पूरा का पूरा नैरो स्ट्रिप है, जैसे फ्लूड जैसा पूरा फ्लूड तक लंबा है. ये तो क्वेश्चन हो सकता है, आपको पढ़ के भी समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है. ये भी एक नेचुरल टैलेंट होता है जो अपने आप अंदर में ये इनबिल्ड हो जाता है ग्रेजुअली पढ़ाई के साथ साथ, कहां से क्वेश्चन आता है. देखिए यहाँ पे कुछ और चीज मुझे समझाना है. यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पूरा का डेड सेंटर नहीं समझिएगा. यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पूरा एक पॉइंट पार्ट में हमारा गया था. ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट आता है, इसको हम बोलते हैं डेड सेंटर. एक पॉइंट जैसा आएगा और इसमें से ये जो लाइन आएगा, देखेंगे कॉपी भी ड्रिल बिट उठा के देखो, ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोला हूं सही बोला हूं नहीं बोला हूं. ठीक है, आप ड्रिल बिट देखोगे तो ड्रिल बिट में इस तरीके से एक शेप आपको एड्ज में देखने के लिए मिलेगा, पूरा एंड में. ठीक है, डेड सेंटर के साथ, इसको बोलते चिजल एड्ज भी बोलते. ये चिजल टाइप का जैसे देखने के लिए. ठीक है, चिजल एड्ज जैसा. ठीक है, शार्प एड्ज पूरा ये तो ये वाला है. ठीक है, एंड इसका एंगल क्या है, मैंने आपको जब चीजें लेट से एंगल पढ़ाऊंगा, शॉर्ट टाइप का एंगल पढ़ाऊंगा वहां पे पढ़ा दूंगा. आई होप कि इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा. एंड अब जो आप अगर ये ड्रिल बिट को, ये वाला ड्रिल बिट को, ये जो पार्ट है इसको ऐसे उठा के ऐसे स्ट्रेट करके आपके आंखों की तरफ, ये जो पार्ट है इसको आप पूरा आंखों के सामने पूरा रखोगे, ठीक है, तो ये वाला आपको पोर्शन मिल जाएगा देखने के लिए. ठीक है, ये है उसका पूरा टॉप बोल सकता हूं. जब आप ऐसे देखोगे इसको, इसका फ्रंट व्यू भी मैं बोल सकता हूं. ठीक है, अगर ड्रिल को पूरा पॉइंट सब देखोगे. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते. बॉडी क्लियरेंस ये भी आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको पिक्चरियल व्यू में समझाया, क्योंकि ये चीज आपको ना पिक्चर में समझाने से आपको समझ में आएगा. ठीक है, इसको मैंने लास्ट में भी अच्छी तरीके से रिपीट में समझा दूंगा. ठीक है, ओके. वेव, वेव क्या है ना, वेव इज द मेटल कॉलम. ये एक मेटल कॉलम, देखिए मेटल कॉलम जैसा दिख रहा है ना, मेटल कॉलम सेपरेट द फ्लूड्स. ये क्या करता है ना, इसका एक टेक्निकल टर्म है. ये जो देख रहे हो ना आप, दो फ्लूड्स है यहां पे, देखिए यहां पे देखिए, ये तो इरेज नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, देख लीजिए यहाँ पे. ठीक है, ये जो फ्लूड्स है, यहाँ पे फ्लूड देखे थे, यहाँ पे फ्लूड, ये तो पूरा हर तरीके से ऐसे ट्विस्ट ड्रिल के चारों तरफ घुमा हुआ है ना. फिर ये किसमें सेपरेट, किस चीज में हुआ है, ये पूरा आते 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 पूरा ये एंड में, इसको यही चीजल एड जी, यही चीजल एड जी क्या किया, ये के फ्लूट है, ये के फ्लूट है, ये दोनों फ्लूट को सेपरेट कौन किया है, जॉइंट कौन किया है, यही किया है, यही चीज लिखा हुआ है. एग्जाम में पूछ सकता है व्हिच पार्ट ऑफ ए ड्रिल सेपरेट द टू फ्लूट्स, सेपरेट द फ्लूट्स, कौन सा एक पार्ट है ड्रिल में जो दो फ्लूड्स को. ठीक है, ज्यादा दो, एक से फ्लूड्स ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या, बहुवचन हो गया, इसको हम फ्लूड्स बोलते हैं. फ्लूड्स को कौन सेपरेट किया है ना, इसका वेव और चिजल एड्ज, यही लिखा हुआ है. वेव इज द मेटल कॉलम व्हिच सेपरेट द फ्लूड्स एंड इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सैंग. इसका और एक टर्म भी आपको बताना है, ये जो वेव है ना, ये वेव ये फिक्स नहीं रहेगा हमेशा, चाहे आपका ड्रिल बिट फिक्स रहेगा लेकिन ये इसका जो वेव है ये एंड में थोड़ा सा दिखेगा, उसके बाद जब ड्रिल खत्म, ये ड्रिल है आप यूज करते जाओगे ये वाला ब्लॉन्ट हो जाएगा, फिर शार्प एज करोगे फिर यहां पे पॉइंट मिलेगा. इसको मैंने अच्छी से और समझा देता हूं, पर समझ रहे तो पूरा अच्छी से समझेंगे. ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा ब्लॉन्ट हो गया, मान लो ये वाला पार्ट हमारा ब्लॉन्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा ब्लॉन्ट हो गया, फिर इसको हम पॉइंट एड्ज दिए, यहाँ पे एक ड्रिल बिट फॉर्मेशन हुआ, फिर ये ब्लॉन्ट हो गया, फिर यहाँ पे हम एक पॉइंट दिए. इस तरीके से होता है, हम ड्रिल को ग्राइंड करके एक पॉइंट एंगल मेंटेन करके हम ड्रिल को पूरा यूज करते हैं, लेकिन पूरा नहीं. आप नहीं समझे कि मैं पूरा यहां तो मच जाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत होता है, इसीलिए लिखा हुआ है. ये जो वेब और मेटल कॉलम है, देखिए यही जो लाइन है, ये जो लाइन ना, ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा, ये थोड़ा ऐसे रहेगा, जैसे
शार्पनिंग करते जाओगे ड्रिल खत्म होते जाएगा, फिर ये उसका बड़ा, ये कम नहीं होगा, याद रखिए इसका एक ट्विस्ट है, ये बड़ा होगा। फिर जब ड्रिल और थोड़ा खत्म हो जाएगा, पूरा ड्रिल यहां से यहां था, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। जब जिस तरीके से इसको आप शार्पनिंग करते जाओगे आगे आगे, ये जो मेटल कलम है ये बाबा बढ़ते जाएगा। तो इसी वजह से ये अगर बढ़ते जाएगा, ये तो शार्प एज इसका खत्म होते जाएगा, ठीक है ना। अगर ये शार्प एज इसका, इसको चाहे आप शार्प एज क्यों ना बनाओ, ठीक है, लेकिन ये इसका क्या होगा ना, ये टूल का जो शार्पनेस है, टूल का जो एक्यूरेसी, ये डिटोरिएट होते जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कुछ लिमिट तक इसको ग्राइंडिंग करते, लेकिन ये टर्म आप याद रखिए ये कौन होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा एक पार्ट है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है टूवर्ड्स द सैंक। सैंक कहाँ होता है, सैंक ऊपर होता है, ऊपर तक धीरे धीरे जब खत्म होते जाएगा ड्रिल का शार्प एज, वो होता है वेव। इट इज अ मेटल कॉलम विच सेपरेट द फ्लूइड्स एंड इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सैंक। आई होप कि ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए सैंक, ये यहाँ पे देखने का कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए मैंने दिया गया हूँ, बस इतना याद रखिए, ये टैंक पार्ट ओनली हमको देखने को मिलता है टेपर सैंक में, और कहीं पे नहीं, यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। चलो ये टैंक हो गया, चलो हम देखेंगे अभी सैंक के बारे में। इसके लिए मैंने और एक अच्छे से लिया हूं, देखिए ये जो पैरेलल सैंक इसको हम कहां यूज करते हैं, टेपर सैंक इसको हम कहां यूज करते हैं। आई होप कि यहां तक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ होगा हमारा टॉपिक, ये भी और इंटरेस्टिंग है, देखिए कितना मजा आएगा। यहां पे पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं बोल रहा हूं ना, आप 10 फीटर से, मेरा जो व्यूअर है यहां पे 1 फीटर, वो बंदा 10 बंदे से कंपल्सरी अलग होगा। उसके पास जितना भी मेरा वीडियो जो देखेगा ना, उसके पास काफी सारे नॉलेज होगा। थ्योरेटिकल यही चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज आपको प्रैक्टिकली रिलेट नहीं कर पाऊंगे। देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पे आपको समझाता हूँ, आप समझने के लिए कोशिश करिए, कोई बात नहीं, आप कमेंट मुझे बोलिए, मैं 100 बार भी इसको समझाने के लिए आपके लिए रेडी हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रेट सैंक दिख रहे हैं, इसको पैरेलल सैंक भी बोलते हैं, एंड यहाँ पे टेपर सैंक बोलते हैं। क्या यार ये क्यों इतना सारा डिजाइन कर दिया ड्रिल, हमको तो बस एक ही टाइप को देना चाहिए था। देखिए ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब है, आपको पहले बोला था, हालांकि आप यहां पे ड्रिल का डायमीटर चेक करोगे तो अगर मान लो 10 mm है ये लैंड और मार्जिन में, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहीं पे हम ड्रिल का डाया चेक करते, यहां पे भी 10 mm होगा, ठीक है, यहां पे भी 10 mm होगा, बट ये पार्ट हमारे यूज में आता है तो ग्रेजुअली ये डिटोरिएट होकर 10 से कम हो जाता है, इसी वजह से हम इसको चेक करके यूज नहीं कर सकते, फिर तो हमारा जो होल है वो अंडर होल आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम चेक करते हैं वर्नियर कैलिपर में कौन सा पार्ट, ये पार्ट, बट ये पार्ट भी डायमीटर एक्यूरेट देता है न्यू ड्रिल के टाइम में। देखिए आपका ड्रिल है, मान लो ये 10 नहीं, हम 20 mm ले लिए, ये 20 mm का ड्रिल है, इसका सैंक भी 20 mm बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ऐसा तो नहीं करूंगा, सैंक को मैं 10 mm बना लूंगा, आपको मैं 20 mm का ड्रिल दे दूंगा, ये कैसे होगा भाई, ये सैंक इतना सा पतला सा होगा, आपको ड्रिल बिट में इतना बड़ा दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसे फ्लैट थोड़ी ना से होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो फ्लैट सैंक, पैरेलल सैंक जितने सारे आप उठा के चेक करो, इसका ड्रिल का डायमीटर जितना है यहां पे, उतना ही उसका सैंक डायमीटर है, तो इसका सोचो अगर हम 50 mm ड्रिल बिट यूज करेंगे, इसका सैंक भी हमको क्या होगा, इसका सैंक है, इसका सैंक भी पूरा यहां से पूरा यहां तक 50 mm ही चाहिए ना। यही चीज अगर हम यहां पे डायमीटर हमको 50 mm मेंटेन करना है, उसके साथ साथ ये वाला को, लेकिन हम डायमीटर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसको जितना बड़ा करते जाएंगे उतना हमारा ऊपर में स्पिंडल भी उतना बड़ा चाहिए। वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, वो तो प्रैक्टिकल भी रिलेटेबल नहीं है, इतना मैंने समझा रहा हूं आपको समझने के लिए। इसी वजह से क्या किए, लेकिन हमको 50 mm चाहिए, ड्रिल तो हमको 50 mm चाहिए, हम तो ड्रिल का होल तो छोटा नहीं कर सकते ना, नहीं नहीं 50 mm ड्रिल नहीं करके इसको 10 mm कर, अरे हमारा एप्लीकेशन 50 mm का डिमांड कर रहा है, हम 10 mm क्यों लगाएंगे। तो इसी वजह से अगर यहां पे 50 mm आपको ड्रिल करना है, तो सैंक को 50 mm ड्रिल नहीं करने के लिए, 50 mm साइज मेंटेन नहीं करने के लिए हम टेपर सैंक प्रोवाइड किए। आई होप इतना मजा से समझ में, बहुत मजा से समझ में आ गया होगा, मतलब हमारा ड्रिल यहां पे 50 mm मेंटेन होगा, लेकिन इसका जो सैंक है ये वाला 50 नहीं होगा, इसीलिए तो इसको हम टेपर प्रोवाइड किए, ऐसे पैरेलल नहीं रख के, ठीक है। एंड ये जो टेपर प्रोवाइड किए, इस जो स्पेशली सैंक के बारे में ना एक चैप्टर है,
के लिए मैं लेके आऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, वो मुझे बहुत मजा आएगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत डिटेल्स में समझा रहा हूँ, यहीं पे ये थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अब समझ में आ गया टेपर सॉन्ग क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 50, 60, 70, 80 कितना भी हमें मेंटेन करो, उसी हिसाब से टेपर सैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा, रिजिडिटी मिल जाएगा, आपके लिए अच्छी से ग्रिपिंग भी होगा, अच्छी सी ये स्टेबिलिटी भी इसको मिलेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए कि ये प्रॉब्लम होगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो टेपर होता है इसमें मोर स्टेपर प्रोवाइड करते हैं, उसको मैंने और कभी समझाऊंगा, अभी टर्म याद रख लीजिए। इसमें एम टी मतलब मोर स्टेपर प्रोवाइड करते हैं, जो होता है कि सेल्फ लॉकिंग टेपर। सेल्फ लॉकिंग मतलब समझ रहे हो फिटर स्टूडेंट, सेल्फ लॉकिंग मतलब अपने आप में खुद लॉक हो, इसके लिए कोई नॉट बोल्ट कुछ भी नहीं चाहिए होल्ड करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया क्यों हमको टेपर सैंक चाहिए। एंड टेपर सैंक में हमको क्या चाहिए, टैंक चाहिए उसके मशीन स्पिंडल के अंदर फिक्स करने के लिए। ये था आज का पूरा मोस्ट क्लास। एंड याद रखिए ये कहां तक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम कब यहां से यहां तक शिफ्ट होंगे, कब हम पैरेलल सैंक यूज नहीं करेंगे टेपर सैंक। क्या 50 mm बोल दिया मतलब 50 mm में, नहीं 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 ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है 12.5। ठीक है, देखिए 12.5 मतलब यहां तक हम पैरेलल सैंक यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमको शिफ्ट होना पड़ेगा जितना सारा आएगा 12.5 के बाद 13, 14, 15, 16, 50, 60, 70 whatever, उसके लिए हम यूज करेंगे टेपर सैंक। ये था आज का पूरा बहुत ही इंट्रोडक्शन क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप कि ये सारा का सारा पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बहुत सारे कुछ आप ये चैनल से आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ गया बॉडी क्या है, पॉइंट क्या है, बॉडी क्लियरेंस क्या है, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड का फंक्शन क्या है, कहां पर ड्रिल का डायमीटर चेक करते हैं, कहां पर ड्रिल का डायमीटर हमको मेंटेन करते हैं, कहां पर हम शिफ्ट करते हैं पैरेलल सैंक से टेपर सैंक, और ड्रिल का पूरा डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रिल का ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस इसमें बहुत सारे कुछ आएगा, सैंक आएगा, सेल्फ लॉकिंग है, उसका मोर स्टेपर के बारे में पढ़े, वो कितना साइज में अवेलेबल होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दैट हम आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू स्मार्ट पेटर। आप लाइक करने में भूल जाते, जब भी ये चैनल देख रहे हो जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी चीज आपके लिए चैनल लेके आएगा। टेक केयर, ठीक है, अच्छी से रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जबरदस्त कीजिए। God bless you all.